नमस्कार इंडिया, स्वागत है ब्रेकिंग बलिया। शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ओर से प्रेरणा एप के खिलाफ शिक्षकों ने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीएसए को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष अजीत प्रताप ने कहा कि सरकार सेल्फी के माध्यम से शिक्षकों का उत्पीड़न करने का अमदा है। इस ऐप के माध्यम से हमारी व्यक्तिगत जानकारी अमेरिकी कंपनी के सर्वर पर स्टोर होगी, जो कि हमारे निजता के अधिकार का हनन है। महामंत्री रफीउल्लाह ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रही है। पर्चे बताइए। मैं रवि कुमार यादव, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जी। आज बीएसई का रेलवे किस प्रकार का धरना है? आज हमारे जनपद के समस्त अध्यापक पहला एप के विरोध में एकत्रित हुए हैं और ये अपना उसके जो कमियां हैं उसके संबंध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो क्या आपकी मांगे हैं? हमारी कोई मांग नहीं, हम ना हम प्रेरणा एप के विरुद्ध हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यालयों में समस्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए आप किसी भी व्यवस्था को लागू करें, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन आप मनमाने तरीके से कोई व्यवस्था लागू करेंगे और उसके पीछे जो हम अध्यापकों की, बच्चों की, विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह आपका प्रेरणा एप हमेशा हमेशा के लिए कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा और हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि आप हमको सारे संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएंगे जी। अगर आप कह रहे हैं जब तक हम विरोध, अगर आपकी सरकार बात नहीं मानेगी तो इसके आगे आप क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारा प्रदेश नेतृत्व जो भी आदेश देगा उसके क्रम में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे सरकार की होगी। अब मतलब आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं हटने वाले। जब हमारे शिक्षा मंत्री प्रदेश के विद्यालयों में औचक निरीक्षण करते हैं और उन विद्यालयों में हमारे बच्चे, हमारे अध्यापक उपस्थित पाए जाते हैं और स्वयं वो यह कहते हैं कि विद्यालयों में, प्रदेश के विद्यालयों में 96% अध्यापकों की उपस्थिति है, तो हमारे शिक्षा मंत्री अध्यापक रह चुके हैं, उनको यह भी समझना चाहिए कि जो 4% आप अनुपस्थिति दे रहे हैं उसमें हमारे कुछ अध्यापक अवकाश पे होंगे, कुछ अध्यापक मेडिकल अवकाश पे होंगे, तो हमारी जब 100% उपस्थिति विद्यालयों में परिलक्षित हो रही है तो हमको प्रेरणा ऐप से क्यों आप बात रहे हैं? और आपको प्रेरणा ऐप लगाना ही है कि सारे संसाधन उपलब्ध कराइए। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने विद्यालयों को सुसज्जित किया और बगैर कोई ऐप लगाए वहाँ पे सारे बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा दी जा रही है। और जी किस प्रकार का आप लोग धरना है यहाँ पर? प्रेरणा एप के विरोध में किया गया है, इसमें प्रमुख रूप से कुछ कमियाँ हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि इस ऐप के माध्यम से जो भी सूचनाएँ प्राप्त है वो सूचनाएँ NIC के माध्यम से न जा करके एक अमेरिकन कंपनी के GoDaddy नाम के एक ऐप के माध्यम से स्टोर की जाएंगे। जो भी व्यक्तिगत सूचनाएँ हैं, चाहे बैंक अकाउंट से लेकर के आधार से अन्य सारी चीजें, वो उस GoDaddy नाम के सर्वर पर स्टोर होगी। जो भी कंपनी जो ये प्ले स्टोर बनाई है वो भी ये पूर्ण रूप से दावा नहीं कर रही है कि हमारे पास जो डाटा स्टोर हो रहा है वो मेरे पास सुरक्षित है। ये सबसे बड़ी कमी है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है कि अगर किसी अध्यापक का हित होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि कंपनी इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि इस प्रेरणा ऐप को बाहर किया जाए, इस प्रेरणा का क्या आपकी जहाँ कहीं भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं वहाँ जब अध्यापक 100% की उपस्थिति पा रहे हैं तो फिर इस प्रेरणा ऐप से आगे लेने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता। क्या आपकी उम्मीद है सरकार आपकी बात मानेगी? एकदम मानेगी, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बातों को संतुष्ट करेगी और हमारी चीजों को ध्यान देगी। ठीक है।
मैं अजीत प्रताप अध्यक्ष दुनिया राय स्कूल शिक्षक संघ बलिया जी। आज बीएसए कार्यालय पर किस प्रकार के आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? हमारा धरना 19 से 23 सितंबर तक चला है, जो हर ब्लॉक पे डीआरसी पे चला है। अब ये जो धरना है जिले स्तर पे चल रहा है, प्रेरणा ऐप के खिलाफ चल रहा है जी। आप इस प्रेरणा ऐप के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का धरना चल रही है और कई दिन से चल रही है, फिर भी आज तक सरकार नाक तक नहीं सुने, क्या आपकी इस योजना क्या हो सकती है? सरकार गूंगी हो चुकी है, सरकार मदहोश हो चुकी है, सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, शिक्षकों के ऊपर अत्याचार करना चाहती है। मेन उसका काम है प्रेरणा ऐप एक बहाना है, सिर्फ और सिर्फ उसका अध्याय है निजीकरण करना, जो हम कतई शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेके, इसके विरोध के लेके जाना पड़ेगा तो हमको लखनऊ भवन भी, राजभवन भी घेराव करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। सरकार का ये कहना है हमें भी इसलिए लोग कर रहे, शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं। नहीं, सरकार का इसलिए नहीं है, सरकार ऐप इसलिए लागू करना चाहती है ताकि कुछ खामियों को दिखा के और समय से पहले अध्यापकों, परमानेंट अध्यापकों को रिटायरमेंट करके और एनजीओ के थ्रू विद्यालय को देना चाहती है। और बता दीजिए, महामंत्री उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद बलिया जी, आज पे किस प्रकार का धरना आप लोगों का है, क्या मांग चाह आप लोगों की, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं प्रेरणा ऐप जो सरकार लागू कर रही है और शिक्षकों की निष्ठा पर सवाल उठा रही है, इसी के खिलाफ दूर तरीके से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के तहत। जी, क्या आपको उम्मीदें हैं सरकार आपकी बातों को मान जाएगी? उम्मीदें हैं कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं देगी तो क्या करेंगे? नहीं देगी तो हम इस बार विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे, जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। यदि हमारे मांगों को नहीं माना गया, प्रांतीय नेतृत्व हमारा जो निर्देश करेगा उसका हम अक्षर से पालन करेंगे। जी बताइए। मैं पंकज यादव, जिला अध्यक्ष बलिया जी। आज किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है? ये धरना प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल संघ पूर्व माध्यमिक के बैनर तले प्रेरणा ऐप के विरोध में पूरे प्रदेश में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कि किसी भी हाल में प्रेरणा ऐप को लॉन्च नहीं होने दिया जाएगा, पूरा शिक्षक समाज इसके विरोध में खड़ा है जी। आज कई दिन से आप लोग धरना तो चल रही है, इस पर अभी तक सरकार विचार नहीं करेगी, नहीं की, क्या आगे विचार करेगी, आपको उम्मीदें हैं कुछ? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं विचार करेगी तो सरकार को उसकी जो औकात होगी दिखा दी जाएगी। शिक्षक पूरा उसके विरोध में है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में इस ऐप को लॉन्च नहीं होने दिया जाएगा। जी, अगर आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी अगर ऐप लागू होता है तो क्या करेंगे आप? उस ऐप में जितनी भी समस्याएं, हम सड़क से लेकर और संसद तक धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे अपना निर्णय वापस लेने के लिए। प्रेरणा ऐप बिल्कुल स्वीकार कर ले, जिस दिन हमारी स्कूल की जो कमियां हैं, ब्रेंच है, अध्यापक है और समान अत्याधुनिक जो चीजें हैं वो दे दें, उस दिन प्रेरणा हम लोग स्वीकार कर लेंगे। हम प्रेरणा से नहीं डरते हैं, उसकी जो नियत है उससे हमको डर है जी। अगर बर्दाश्त नहीं, जी अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनी आज तक, आगे नहीं सुनेंगे तो आगे की प्लानिंग आप लोग क्या होगी? हम लोग लखनऊ स्तर तक भी धरना करेंगे और जो भी हमारा नेतृत्व का निर्देश होगा उसको मानेंगे, हम लोग करेंगे।